आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब भी ठीक हैं। आज गाइस रेसिपी देने वाली हूँ मैं। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास इस रेसिपी के लिए, तो आज मैं फाइनली गाइस बिरयानी की रेसिपी दे रही हूँ आप लोगों को। वीडियो एंड तक देखिएगा गाइस। बहुत गाइस ये सबसे इजी रेसिपी है बिरयानी की। मुझे ऐसा लगता है कि हर तीसरे घर के अंदर बिरयानी की रेसिपी चेंज हो जाती है। सब अपने अपने तरीके से बिरयानी बनाते हैं। गाइस जो बिरयानी हमारी है ये ज़रूर ट्राई करिएगा। थोड़ा डिफरेंट तरीका है इसका, मुझे लगता है शायद डिफरेंट तरीका है। सब घर में ऐसे नहीं बनाते जैसे हम लोग बनाते हैं। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिएगा, ट्राई करके कमेंट करके बताइएगा कि ये बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को। तो फिलहाल गाइस हमने ले लिया है चिकन। गाइस मैं बना रही हूँ 1.5 किलो चिकन की। गाइस ये है 1.5 kg चिकन। गाइस साथ में चावल ले लिए हैं मैंने। ये चावल कितने होंगे मम्मी? 1 किलो होंगे। हाँ तो गाइस 1.5 किलो चिकन है और हमने 1 किलो चावल ले लिए हैं। गाइस मैं आपको 1.5 किलो चिकन की रेसिपी बता रही हूँ, आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मेरा 1.5 किलो चिकन है और 1 किलो चावल है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं फिर। गाइस सबसे पहले मैं आपको ये सारे साबुत मसालों के बारे में बता रही हूँ क्या क्या है। गाइस ये 2 चम्मच है साबुत धनिया, 3-4 तेज पत्ते हैं, 1 पूरी गुत्थी जो गाइस लहसुन की आती है वो है, 2 छोटी छोटी प्याज हैं, गरम मसाले गाइस सारे साबुत गरम मसाले हैं इसमें, दालचीनी है, हरी इलायची है, जीरा है, काली मिर्च है, लौंग है, जावित्री है और बड़ी वाली काली वाली इलायची जो गरम मसाले आते हैं गाइस वो सारे हैं ये। और गाइस 2 चम्मच सौंफ है हमारी, ये गाइस आपने देख लिया है। इसको हमने डालना है गाइस कुकर के अंदर। सबसे पहले गाइस जो हमने चिकन लिया है चिकन डाल देंगे हम कुकर में। गाइस 1.5 किलो चिकन है ये मैंने जैसा कि आपको बताया है। और गाइस ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये सारी की सारी कुकर में चली जाएंगी। सारे मसाले जो जितने भी साबुत मसाले थे वो सारे मैंने इसके अंदर डाल दिए। अब हम गाइस इसके अंदर डालेंगे नमक। तो गाइस इसके अंदर हम सीटी नहीं लेंगे, हमने जैसे इसके अंदर प्रेशर बनाना है, मतलब जैसी एक सीटी आने वाली हो तो आपने उससे पहले ही गैस को ऑफ कर देना है। क्यों? क्योंकि चिकन बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी जो है सॉफ्ट हो जाता है चिकन। हम अगर इसके अंदर पूरी एक सीटी ले लेंगे तो इसको चावल के अंदर भी पकना है चिकन को, तो ये पूरा चिकन जो है हमारा मतलब बोटी हड्डियाँ जो होंगी ना वो चिकन को छोड़ देंगे तो सब खिचड़ी बन जाएगी इसकी। तो हमने सीटी नहीं लेनी है, जैसी सीटी आने वाली हो गैस को ऑफ कर देना है। इस साथ में नमक के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे पानी। गाइस 1.5 किलो चिकन है ये सारा सामान है और मैंने इसके अंदर डाला है 1 लीटर पानी। गाइस पानी आप ध्यान से डालिएगा, कभी आप बहुत ज़्यादा कर दो और चिकन जो है सारा वो गल जाए। हमने 1.5 किलो चिकन है 1 लीटर पानी डाला है, अब आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब हम इसके लगा देंगे लिड। हम लगा चुके हैं गाइस, साथ में हम फ्लेम जो है फुल रखेंगे, फुल पे बनाना है हमने। तो गाइस लिड हमने इसकी लगा दी है। आपने करना क्या है बहुत सिंपल है, इसमें सीटी हमने नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि चिकन बहुत ज़्यादा जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा हमारा, तो हम सीटी नहीं ले रहे। जैसे ही इसमें सीटी आने वाली हो आपने गैस कर देनी है ऑफ, और जो भी इसके अंदर जितनी भी स्टीम बची हो वो सारी भी आपने निकाल देनी है, नहीं तो चिकन का जो है ना भुरका बन जाएगा। तो हमने ऐसा नहीं करना, हम बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाता है तो हम इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमने सीटी नहीं लेनी है और प्रेशर जितना बचा वो सारा हम इसका निकाल देंगे। तो गैस इसका सीटी का हम वेट करते हैं। तो गाइस हमारी सारी सीटी जो है निकल चुकी है, देख सकते हैं आप, निकाल दी हमने। मैंने इसकी ओपन कर दी है गाइस, आप देख सकते हैं चिकन हमारा माशाल्लाह से सारा जितना भी था सब गल चुका है। ऐसा नहीं हुआ कि हड्डियां और बोटियां सब अलग अलग हो गई हों, ये देखिए आप, मैं आपको चलाकर दिखाती हूँ। देखिए देखिए गाइस, लेग पीस से मैं आपको लेग पीस ही दिखा देती हूँ क्योंकि लेग पीस सबसे ज़्यादा सॉफ्ट चीज़ है, ये फ़ौरन जो है हड्डी से अलग हो जाता है। देखिए लेग पीस हमारी ऐसी की ऐसी है माशाल्लाह से। तो अगर आप भी ऐसे ही करेंगे तो आप कभी हड्डी बोटी अलग नहीं होगी। गाइस अभी इसको हम साइड रख देते हैं। तो गाइस अब आपने करना क्या है, इसके अंदर जितनी भी बोटियाँ हैं ना हम उसको सबको एक भगोने में निकाल लेंगे, प्लेट में आप जिसमें चाहे निकाल सकते हैं। क्योंकि गाइस हमने जितने भी इसके अंदर साबुत मसाले डाले थे ना वो सब जो है सिर्फ खुशबू के लिए हैं, उनका आगे कुछ भी काम नहीं है। हमने इसमें से सारी बोटियाँ अलग करनी है, इसमें से गाइस सारी बोटियाँ और जो ये इसमें पानी है इस ये काम करेगा हमारा, बाकी ये सब जो है गाइस अब फिकने का हो चुका है, ये गाइस सिर्फ खुशबू के लिए यूज़ होता है।
ताकि एक अच्छा स्मेल, एक अच्छा सा टेस्ट वो आ सके। बस अब हम इसमें से सारी बोटियाँ जो है गाइस सारी वो निकाल के साइड कर लेंगे जल्दी जल्दी। गाइस ध्यान रहे कि आप सिर्फ बोटियाँ बोटियाँ निकालें, इसके अंदर जितना भी ये सारा साबुत मसाले हैं ये सब नहीं निकालना है आपको, सिर्फ अपने बोटियाँ बोटियाँ निकालनी है, ऐसे कर करके निकाल लीजिए। तो गाइस हमने सारी बोटियाँ जो हैं इस अखनी में से अलग कर ली। गाइस हम इसको अखनी कहते हैं, ये पूरा जो हमारा प्रोसेस होता है इस चीज़ का इसको हम अखनी कहते हैं। गाइस हमने एक तरफ ले लिया है कुकर, अब गाइस हम लगाएंगे इसमें छौंका, देखते हैं। गाइस बहुत एक्साइटेड हूँ गाइस, मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसकी रेसिपी कैसी लग रही है। छौंके के लिए हमने ले ली है 2 मीडियम साइज़ की प्याज, साथ में 4 हरी इलायची और गाइस 3 हरी मिर्च ले ली है मैंने। गाइस ये छौंके में हमने एक साथ डालनी है। ऑयल ले लिया है गाइस मैंने 250 ग्राम, 1 किलो चावल है, 1.5 किलो चिकन, इस हिसाब से गाइस इसको हम डाल देंगे ऑयल के अंदर। प्याज का गाइस आपने ध्यान रखना है इसका कलर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ये ब्राउन गोल्डन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसी प्याज होगी वैसा ही कलर चावलों का आएगा, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि प्याज जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, ट्रांसपेरेंट प्याज होनी चाहिए। गाइस चावलों का मामला थोड़ा ऐसा ही होता है, क्योंकि चावल ऐसी डिश है अगर हल्का सा पानी ज़्यादा हो गया ना या तेल ज़्यादा हो गया तो पूरी पूरी डिश ख़राब हो जाती है। और गाइस अगर आपको कोई भी चीज़ में कोई भी उसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी पॉइंट पर आके, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं या आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गाइस खाना बस अच्छा बनना चाहिए। प्याज हमारी ट्रांसपेरेंट हो गई है, हमने इसमें डालना है लहसुन का पेस्ट। गाइस मैं एक्चुअली मेरा लहसुन का पेस्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए मुझे ये लेना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने गाइस एक साइड जो है मटर पनीर भी बनाया है, इसकी भी रेसिपी मैं शेयर कर दूंगी गाइस शॉर्ट्स के अंदर, व्लॉग नहीं बनाया मैंने उसका। गाइस गैस हम ऑफ कर देंगे क्योंकि प्याज जो है हमारी हल्की हल्की गोल्डन होनी स्टार्ट हो गई है, तो हमने गैस ऑफ कर दिया वरना प्याज हमारी सारी जो है गोल्डन हो जाएगी। लहसुन अदरक गाइस अच्छे से भून लीजिए, भूनने के बाद गाइस हम इसमें डालते हैं हमारा सारा चिकन और इसको गाइस अच्छे से हम चला लेंगे। तो गाइस अब हम इसके अंदर डाल देंगे चावल हमारे जो कि हमने लिए थे। चावल हमने इसके अंदर डाल दिया और आपने ध्यान रखना है हमने पानी नहीं डालना है, हमने डालना है जो हमने अखनी का पानी बनाया था ये डालेंगे। गाइस मैंने इसको छान के रख लिया, ये देखिए सारे मसाले जो हैं वो इधर आ गए, छन गए और पानी यहाँ पर आ गया, तो गाइस इसको हम अब डाल देंगे कुकर के अंदर। पानी गाइस हम सिर्फ 1 गिरा रखेंगे, मैं आपको बता देती हूँ। ये गाइस सारा पानी हमने इसमें डाल दिया है, पानी हमने सिर्फ 1 गिरा ही रखना है इसके अंदर। अगर आपको ऐसा लगता है कि पानी अखनी चावलों में कम है तो आप नॉर्मल वाटर भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। गाइस बासमती चावल लिया है और मैंने इसके अंदर सिर्फ इतना पानी रखा है, सिर्फ 1 गिरा पानी रखा है, आप अपने चावलों के हिसाब से रख सकते हैं, मैंने 1 गिरा रखा है इसके अंदर। गाइस अब हम इसके अंदर डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद गाइस हम इसको 1 सीटी ले लेंगे इसके अंदर फुल आंच पर। तो गाइस गैस जो है हमारी वो निकल चुकी है और अब मैं इसके लिए बना रही हूँ कलर, जो कि गाइस मैं बनाऊँगी जर्दे के रंग से। गाइस मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप भी जर्दे का रंग ही लें, अगर आप फूड कलर लेते हैं और बिरयानी में डालते हैं तो चावल सारे टाइट टाइट हो जाएंगे और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, तो आप भी जर्दे का रंग ही लीजिएगा। जिसके अंदर गाइस मैं मिला रही हूँ केवड़ा, बेवड़ा नहीं गाइस केवड़ा। गाइस इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल भी लम्स नहीं बनने। तो गाइज़ ये देखिए हमारी बिरयानी, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं सदके जाऊं, मैं वारी जाऊं बिरयानी के ऊपर। रंग दो डाल दो, अभी रंग डालूंगी गाइज, अभी इस स्टेज पे हम बिरयानी को अच्छे से चला लेंगे। देखिए गाइज चावल कैसे एक एक खिला खिला हो रहा है, वो खिला हुआ नहीं था, अभी नीचे फेंक दिया। नहीं यार तुम तो रहने दो हमेशा,
डीमोटिवेशन का दूसरा नाम है फाइट। अब गाइस हमने इसके अंदर जो रंग डाला है, रंग मिलाया था गाइस, हम इसको इसके ऊपर डाल देंगे आराम से, एक ही जगह नहीं डालना है गाइस, हमने फैला फैला के डालना है कलर अच्छे से। और गाइस हम इसको दम पे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि कलर जो ताकि कलर जो है गाइस इसका अच्छे से पक जाए, कच्चा ना रहे। अब हम इसको गाइस थोड़ी सी देर के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम पे चूल्हे पे रख देंगे। रख दो, चूल्हे पे रख चुके हैं गाइस, बिल्कुल लो पे आपने रखना, नहीं तो आपके चावल लग जाएंगे। 10 से 15 मिनट के लिए गाइस हम इसको छोड़ देंगे ताकि रंग पूरा अच्छे से पक जाए। इसको खोला है, आप देख सकते हैं, ये देखिए गाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह कलर जो है हमारा वो भी पक चुका है। मैं इसको अब चला के दिखाती हूँ आपको। गाइस आपने हल्के हल्के हाथों से किनारों किनारों से इनसाइड से चलाना है, बीच में चम्मच नहीं मारना, वहाँ से चला के ऊपर चावल, यहाँ से लेके ऊपर चावल। तो गाइस देखिए माशाल्लाह से बिरयानी हमारी रेडी हो गई है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी। गाइस ने आगे मेरा हाथ ऐसे आई इस पे लगा दिया। तो गाइस आपको अगर इसकी रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये मैंने बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि बिरयानी की रेसिपी दो, तो इसलिए मैंने बनाई है गाइस। इसी के साथ गाइस आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। होप आपको अच्छा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इसकी रेसिपी शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।